नमस्कार फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल पर दिल्ली पुलिस और यूपी लेखपाल के लिए मैंने साइंस से रिलेटेड वीडियो डालना स्टार्ट किया है और इसमें साइंस के हर टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ आपके साथ शेयर किए जाएंगे। और अगर आपको चैप्टर वाइज PDF चाहिए तो कमेंट में ज़रूर आप अपना नंबर बता दीजिएगा, आपको मेरे ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। उसमें क्या होता है कि पहले हम लोग चैप्टर वाइज आपको PDF प्रोवाइड कराते हैं। जिस चैप्टर की PDF पूरी प्रोवाइड कराई जाएगी उसकी थ्योरी होगी पूरी उसमें और नोट्स होंगे, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे MCQ करते हैं। ठीक है, तो विटामिन के जैसे कि मैं प्रोवाइड करा चुका हूँ, आज हम विटामिन से रिलेटेड सारे MCQ करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और साथ में जो भी विटामिन से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए सब कुछ मैं बताता चलूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो सबसे पहले विटामिन B1 आपको पता होना चाहिए दोस्तों। विटामिन जो B1 है ये बी कॉम्प्लेक्स में आता है, ये आपका जो है बी कॉम्प्लेक्स विटामिन में आता है। और विटामिन B1 का अगर रासायनिक नाम की बात करें तो थायमीन होता है विटामिन B1 का रासायनिक नाम, इतना आपको ये पता होना चाहिए। और विटामिन B1 की कमी से दोस्तों बेरी नामक रोग हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन B1, B2, C में से कौन सा विटामिन सल्फर के अवशोषण में सहायक है। देखिए, विटामिन B1, B2, BC, विटामिन B1 का अभी मैंने आपको रासायनिक नाम बताया कि थायमीन होता है। और दोस्तों, जहाँ भी थायमीन होता है और जहाँ भी दोस्तों थायो नाम का वर्ड आ जाए तो ये रूट वर्ड होता है सल्फर के लिए। ये सल्फर के लिए क्या होता है, एक रूट वर्ड होता है। तो आप समझ जाइए कि थायमीन जो सल्फर के अवशोषण में सहायक होता है विटामिन, वो विटामिन B1 ही होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है कि विटामिन AD, B में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी एंड विटामिन सी। देखिए, को कैल्शियम आ रहा है, आपको पता है कि जो विटामिन डी होता है इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। तो यहाँ पर जो कैल्सी है इससे आपको पता चल जाता है, तो कैल्शियम के अवशोषण में जो भी विटामिन सहायक होता है वो दोस्तों विटामिन डी होता है। तो विटामिन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ये ऑप्शन के मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ, तो आप परेशान ना होइए, सारे के सारे प्रश्न खुद ही आ जाएंगे, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप विटामिन ए का नाम जानना चाहते हैं रासायनिक, तो रेटिनॉल होता है। और विटामिन बी में तो कॉम्प्लेक्स आते हैं, विटामिन सी का जैसे एस्कॉर्बिक एसिड होता है और विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल होता है, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों, विटामिन B6 जैसा आपको पता होगा, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो पाइरिडॉक्सिन होता है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसका रासायनिक नाम होता है पाइरिडॉक्सिन, ये तो आप पता चल गया B6। और अगर B6 की कमी दोस्तों हो जाती है शरीर में तो पुरुषों में क्या हो जाता है, अरक्तता मतलब एनीमिया रोग हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अच्छा, इसमें पहला ऑप्शन जो रिकेट्स आया है, विटामिन डी की कमी से होता है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, बेरी रोग हम लोग ऑलरेडी भी कवर कर चुके हैं। तो आप बात करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही उत्तर के साथ सूची फर्स्ट के सूची टू को जोड़े बनाइए। आपको जोड़े बनाने हैं। देखिए, विटामिन B1 आपको पता है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम दोस्तों थायमिन होता है, तो आप ए को जो है कहाँ से मिला देंगे, ए को आप 3 से मिला देंगे। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है, तो इसको यहाँ मिला देंगे। और विटामिन B6 का भी मैंने ऊपर आपको बताया था पाइरोडॉक्सिन होता है, और विटामिन B12 का जो होता है साइनोकोबालमिन होता है। तो ये इस तरीके से आप मिला सकते हैं। अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो आपको पता है A से आपने 4 को मिलाया है, और सॉरी A को फिर 4 से नहीं मिलाया है, A को आपने मिलाया है 3 से, और B को आपने मिलाया है 4 से, और यहाँ पर C को मिलाया है 1 से, तथा डी को जो मिलाया है वो आपने मिलाया है 2 से। तो ये इसके मिलान हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। कह रहे हैं, विटामिन डी की कमी से होने वाले रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, रिकेट्स मतलब बच्चों में सूखा रोग हो जाता है दोस्तों, सूखा रोग हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो शरीर की हड्डियाँ होती हैं वही अंग प्रभावित होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है।
दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है, तो ये होता है दोस्तों कैल्सीफेरॉल, मतलब विटामिन डी जो होता है वो हमारे शरीर में क्या होता है सबसे जल्दी बनता है। तो इसका राइट आंसर आप विटामिन डी लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहे हैं विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था। तो दोस्तों जो B12 होता है जिसको आप साइनोकोबाल्मिन कहते हैं, इसमें कोबाल्ट जो होता है तो इसकी मौजूदगी सर्वप्रथम एक परीक्षण के द्वारा सिद्ध की गई थी। उस परीक्षण को सोडियम नाइट्रेट प्रोसाइड परीक्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम नाइट्रेट प्रोसाइड परीक्षण बोलते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, कहते हैं लौह की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका SSC 2014 में पूछा गया था, और आप इसको देखिए इसमें थोड़ा सा आपका डाउट होगा कि यार लोहे की कमी से तो एनीमिया रोग होता है, लेकिन देखिए दोस्तों अगर आपकी बॉडी में लोहे की कमी होती है तो कहीं ना कहीं जो थायराइड ग्रंथ होती है वो भी प्रभावित होती है, तो गॉयटर जो है वो यू आपका रोग हो जाता है। तो इसका जो आंसर सही किया गया था वो गॉयटर ही सही गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरक्तता निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है, मतलब एनीमिया में किसकी मात्रा कम हो जाती है। तो आपको पता है कि जो हीमोग्लोबिन होता है, जो हमारा ब्लड होता है, उसमें जो रेड कलर होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। तो जिसमें इस तरीके के ऑप्शन जो दिए गए हैं, तो अरक्तता में निम्नलिखित में से खून की कमी होती है इसी की वजह से अरक्तता होता है। तो इसका ऑप्शन जैसे दिया गया हीमोग्लोबिन, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हीमोग्लोबिन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छिली हुई सब्जियों को धोने में कौन सा विटामिन निकल जाता है। दोस्तों छिली हुई सब्जियों को अगर आप धो देते हैं तो उसमें कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो विटामिन सी जो होता है, स्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो निकल जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से संबंधित नहीं है। देखिए दोस्तों बी कॉम्प्लेक्स में 1 से लेकर 12 तक विटामिन आती हैं, लेकिन उसमें 4 विटामिन आपको क्या कर देनी है, ड्रॉप कर देनी है, जैसे विटामिन B4, विटामिन B8, विटामिन B10 एंड विटामिन B11। ये 4 विटामिन क्या कर देनी है आपको, इनको हटा देना है, ये नहीं होते। बाकी B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 यहाँ तक होती हैं। तो इसमें इसने क्या पूछा है, देखिए राइबोफ्लेविन जो होता है वो विटामिन B2 का रासायनिक नाम है, तो ये B कॉम्प्लेक्स में हो जाएगी। फोलिक एसिड जो होता है दोस्तों ये विटामिन 9 का रासायनिक नाम है, ये भी हो जाएगी। थायमिन जो होता है वो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है, ये भी हो जाएगा। बट जो स्कॉर्बिक एसिड है ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है, इसलिए ये बी कॉम्प्लेक्स में नहीं होता है। तो इसको राइट आंसर करेंगे आप इसका, कि स्कॉर्बिक एसिड जो इसमें दिया गया है वो आपका बी कॉम्प्लेक्स से संबंधित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, काफ़ी जो होता है इसमें क्या होती है डाउट होता है। तो पेलाग्रा आपको मैं बता दूं, पेलाग्रा एक रोग होता है जिसे आप क्या बोल सकते हैं, जिसे आप D3 रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको आप लोग, D3 रोग भी बोलते हैं। 3 तरीके की बीमारियाँ इसमें हो जाती हैं। अब यहाँ से आप रिलेट कर दीजिए D3B3, ऐसे रिलेट कर दीजिए D3B3। तो जो विटामिन B3 होती है उसकी कमी जब आपके शरीर में हो जाती है तो आपके पेलाग्रा नामक का रोग हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या है, इसमें आपको मिलान करने हैं, ये ध्यान से देखिएगा। देखिए निम्नलिखित में से आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि निम्नलिखित में इसमें मिलान करना है। देखिए जो स्कॉर्बिक एसिड होता है तो उसको तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, विटामिन सी होता है, तो आप ए को 4 से मिला देंगे क्योंकि 4 में ही विटामिन सी है। अब यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण 2 नंबर में दिया है, ये क्लोरोफिल से रिलेटेड होता है। प्रकाश संश्लेषण आपका जो है एक क्लोरोफिल जो है बी नंबर, यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो गया है इस तरीके से जैसे लिखा है वो थोड़ा सा क्लियर नहीं है। बी नंबर में दिया गया है आपको क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल जो होता है एक प्रकाश संश्लेषण पिगमेंट है, तो आप बी को जो है 1 से मिला देंगे। ठीक है, फिर इसमें दिया गया है जो आपका सी नंबर दिया है वो दिया है कैरोटीनॉयड, तो कैरोटीनॉयड दोस्तों एक शामक होता है, आग बुझाने वाला जो होता है, तो इसको आप क्या मिला देंगे 2 से मिला देंगे। बचा आपका कौन सा, बचा आपका सुप्राक्साइड डिस्यूमेटस, तो ये एक प्रकार का एंजाइम है, तो इसको आप 3 से मिला देंगे। ठीक है, समझ गए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या, वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है। ये तो बड़ा सिंपल है, विटामिन B12 साइनोकोबाल्मिन कहते हैं, तो कोबाल जो वहाँ पे आता है
उससे पता चल जाता है कि कोबाल्ट। तो विटामिन B12 की एक घटक कौन सी धातु है? ऑप्शन नंबर D बिल्कुल सही होगा, कोबाल्ट इसका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? दोस्तों इसको पॉइंट को ध्यान से देखिएगा कि आपका जो मानव शरीर में संक्रमण को रोकता है कौन रोकता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो आपको एक बात बताता हूँ कि जो आपका विटामिन ए होता है, ठीक है, जो विटामिन ए आपका होता है वो क्या होता है कि वो WBC जो होती है ना उसके फॉर्मेशन में काम करता है, मतलब WBC के फॉर्मेशन में काम करता है, रोधक प्रतिरोधक क्षमता के लिए वर्क करता है। तो यही एक ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। अगला प्रश्न देखिए, विटामिन ई की विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? देखिए विटामिन ई की विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है, सबसे पहले विटामिन ई का जो आपको पता है रासायनिक नाम क्या होता है, टेकोफेरॉल होता है। रासायनिक नाम तो पहले याद पता होना चाहिए, टेकोफेरॉल। ये जो विटामिन ई होता है इसके कई सारे कार्य हैं। सबसे पहला जो इसका एक मेन इम्पॉर्टेंट काम है, ये एंटीऑक्सीडेंट के जैसे वर्क करता है, तथा इसके अलावा जो होता है दोस्तों ये हेल्प इन रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, जनन में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, तो जैसे कि ऑप्शन दिया गया है कि दांतों के विकास के लिए, ये तो नहीं सही होगा। दूसरा ऑप्शन जैसे दिया गया है कि लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रियाएँ, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यही राइट आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन है? सिंपल सा है, रक्त के स्कंदन में जो आपका रक्त का थक्का जमने में वर्क करता है वो आपका कौन सा होता है? विटामिन के होता है। ठीक है, कौन सा होता है? विटामिन के होता है। और विटामिन के रासायनिक नाम क्या होते हैं? विटामिन के दोस्तों जो होता है दो रासायनिक नाम होते हैं। पहले तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर D आपका हो जाएगा। तथा जो आपका विटामिन के होता है इसके दो रासायनिक नाम होते हैं, एक तो नेप्थोक्विनोन होता है और दूसरा जो होता है फाइलोक्विनोन होता है। जैसे मैं नेप्थोक्विनोन कहूँ तो NAPTHO नेप्थो और क्विनोन QUINONE, और एक होता है आपका फाइलोक्विनोन, ये इसके रासायनिक नाम है। तो रक्त स्कंदन में यही वर्क करता है, ऑप्शन नंबर D। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन मानव रक्त बनाने में अनिवार्य है? फिर देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन, तो इसका भी ऑप्शन D हो जाएगा, मानव रक्त बनाने में भी ऑप्शन D विटामिन के वर्क करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, रतौंधी किसकी कमी के कारण हो जाता है? देखिए रतौंधी से रिलेटेड एक बड़ी अच्छी सी बात है दोस्तों, आपको पता है कि रतौंधी का मतलब होता है कि रात, नाइट ब्लाइंडनेस, हमको हल्का सा दिखना कम हो जाता है, जैसे जैसे शाम होना स्टार्ट होती रात में तो बिल्कुल नहीं दिखता है। तो आपको पता है कि जो विटामिन ए होता है, विटामिन ए की बात मैं करता हूँ, तो आपके बॉडी में दो तरीके के क्या होते हैं, जैसे सेल होते हैं, एक तो कोन सेल होता है और एक रॉड सेल होता है। कोन सेल क्या होता है कि जो हम दिन में देखते हैं जैसे कोन सेल की वजह से, और कोन सेल को कंट्रोल कौन करता है? ठीक है, ऑप्सिन प्रोटोन होता है, एक जो होता है रेडॉप्सिन होता है। जो ऑप्सिन प्रोटीन होता है हमारे शरीर में, उसकी वजह से हम लोग क्या कर पाते हैं कि जो दिन की लाइट में हम लोग देख पाते हैं उसे ऑप्सिन प्रोटीन कहते हैं। लेकिन जो रेडॉप्सिन प्रोटीन हमारे शरीर में होता है उसकी वजह से हम लोग रात को भी हल्का हल्का देख पाते हैं। तो ये जो विटामिन ए का काम क्या है, ये विटामिन ए क्या करता है, ऑप्सिन को रेडॉप्सिन में चेंज कर देता है। अब भाई चांस हमारे शरीर में विटामिन ए ही नहीं होगा तो ऑप्सिन को रेडॉप्सिन में हम चेंज नहीं कर पाएंगे, और जब ऑप्सिन को रेडॉप्सिन में चेंज नहीं कर पाएंगे तो हम लोग देख नहीं पाएंगे। तो इसी की वजह से विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। तो ऑप्शन B इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति केवल दूध, अंडे और रोटी पर गुजारा करे तो उसे कौन सा रोग हो सकता है? देखिए दोस्तों, दूध, रोटी, अंडा ही खा रहा है केवल, उसके अंदर कोई खट्टी चीज़ जा ही नहीं रही है। तो जब भी कोई खट्टी चीज़ नहीं जा रही है उसके अंदर, तो उसको स्कर्वी रोग हो जाएगा, विटामिन सी की कमी हो जाएगी उसके अंदर, एस्कॉर्बिक एसिड की कमी हो जाएगी, तो उसको क्या हो जाएगा, उसको जो है स्कर्वी रोग हो सकता है। तो इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर D इसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत क्या है? दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन बड़ा डाउट वाला है, UPSC 2001 में पूछा गया है। वैसे हमारे सामने जैसे ही विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत आता है हमारे मुँह पे आंसर एक ही रहता है, वो है गाजर।
लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए, चार ऑप्शन आपको जब भी दिया हो और अगर उसमें धनिया पत्ती हो और विटामिन ए की बात करी जाए तो यहाँ पे आंसर आप धनिया पत्ती लगाएंगे। इसका आंसर धनिया पत्ती सही किया गया है, ठीक है। बाई चांस यहाँ पे गाजर ना होता, सॉरी धनिया पत्ता ना होता, कुछ और होता तो आप गाजर लगा देते, समझ गए आप बात को। तो इसका राइट आंसर धनिया पत्ती होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। अब देखिए यहाँ भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ये भी आपका जो है बहुत ही हाई लेवल के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें इस तरीके के चार ऑप्शन दिए हैं। आपको पता है विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत आंवला बताया जाता है, लेकिन दोस्तों वहाँ पे ऑप्शन में दिया गया था कागदी नींबू। कागदी नींबू इसका करेक्ट किया गया है। तो अगर इस चार ऑप्शन आए और उसमें कागदी नींबू आंसर दिया जाए, कागदी नींबू आपका ऑप्शन दिया जाए, तो फिर नींबू, कागदी नींबू को आंसर लगाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थायमीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। दोस्तों थायमीन मतलब विटामिन B1, तो विटामिन B1 का जो सर्वोत्तम स्रोत है वो काजू है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काजू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, इनमें से किस रूप में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कार्य करते हैं। अब आप बात आ जाती है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स किस रूप में कार्य करते हैं। वैसे तो आपको बता दूँ, विटामिन जो होते हैं बी कॉम्प्लेक्स के रूप, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं वो दोस्तों सह एंजाइम की तरह वर्क करते हैं। किसकी तरह वर्क करते हैं? सह एंजाइम की तरीके। अब दोस्तों आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, ये सह एंजाइम क्या होते हैं। आपको एंजाइम तो पता है, कैटलिस्ट पता है क्या होते हैं, किसी भी रासायनिक क्रिया को उसकी रेट को बढ़ाने का काम क्या करते हैं, एंजाइम करते हैं, ठीक है। एंजाइम का वर्क यही होता है किसी भी रिएक्शन को बढ़ाने का। तो हमारी बॉडी में बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, उनको बढ़ाने के लिए एंजाइम बहुत सारे हमारे शरीर में होते हैं। लेकिन जो एंजाइम होते हैं ये अकेले एक्टिवेट नहीं होते हैं दोस्तों, है ना। ये प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं बट ये अकेले एक्टिवेट नहीं होते हैं। इनको एक्टिवेट करने के लिए जो काम किया जाता है वो सा एंजाइम का होता है। और ये जितने भी विटामिन बी होते हैं या बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये एंजाइम को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। तो ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं आपके, वो सह एंजाइम की तरह वर्क करते हैं, मतलब को एंजाइम की तरीके वर्क करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, कि किस विटामिन की कमी से रक्त छीणता का रोग हो जाता है। आपको पता है रक्त छीणता, अनीमिया ही बोलते हैं उसको, तो कौन से विटामिन की कमी से रक्त छीणता हो जाता है। देखिए विटामिन B12, विटामिन B9 तथा फोलिक अम्ल समूह, मतलब विटामिन B9 और विटामिन B6, विटामिन B6 और विटामिन B12 और विटामिन B9, इन सभी की कमी से अनियमितता हो जाती है, मतलब रक्त छीणता जो होती है, अराक्तता होती है, वो हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सब। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 कहते हैं, जहाँ कैरोटीन से विटामिन ए का संश्लेषण होता है। अच्छा कैरोटीन जानते हैं क्या होता है, कैरोटीन एक प्रकार का पिगमेंट है। आप जो हरी सब्जियाँ खाते हैं, जो येलो सब्जियाँ खाते हैं और हल्की सी रेडनेस होता है उसमें एक नाम का बीटा कैरोटीन नाम का एक पिगमेंट होता है। ये जब क्या होता है, ये हमारे यकृत में जाता है, ये जब जैसे आपने खाया और ये यकृत में जब जाता है फिर वहाँ पे एक्टिवेट होता है, तब ये क्या बनता है, विटामिन ए बन जाता है। तो कहते हैं कि जहाँ कैरोटीन विटामिन ए का संश्लेषण होता है, जहाँ कैरोटीन से विटामिन ए का संश्लेषण होता है वो क्या है, वो है दोस्तों यकृत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यकृत, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहे हैं, किस विटामिन की अनुपस्थिति में या किस विटामिन की अनुपस्थिति से शरीर में कैल्शियम की कमी होती है। अच्छा कैल्शियम वाला तो आपको कैल्सीफेरॉल याद आ जाता है, तो विटामिन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से की अनुपस्थिति में शरीर में कैल्शियम की कमी होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जो विटामिन डी आपका होती है उसको हार्मोन भी माना गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए, इसमें क्या करना है आपको, मैच कराना है। कह रहे हैं अधोलिखित में से कौन विटामिन है उसकी कमी से रोग सुमेलित कीजिए। अच्छा कैल्सीफेरॉल क्या होता है, विटामिन डी होता है, और विटामिन डी जो कैल्सीफेरॉल होता है उससे क्या मिलाएंगे आप, तो उसको आपको पता है उसके लिए आप मिला देंगे रिकेट्स रोग, ठीक है। तो विटामिन इसको मिला देंगे रिकेट्स,
नियासिन जो होता है दोस्तों, नियासिन या निकोटिन एसिड उसको बोलते हैं B3। अभी पीछे एक क्वेश्चन आ चुका था कि पेलाग्रा किस रोग से सम्मिलित, इसमें पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो नियासिन पेलाग्रा तो बिल्कुल मैच कर रहा है। फिर दिया गया है साइनोकोबालमिन संघातिक रक्ताल्पता, मतलब वही अनीमिया, ठीक है, तो इसमें भी ये क्या हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा, तो साइनोकोबालमिन दिया है आपको, ये भी बिल्कुल सही है। अब दिया है राइबोफ्लेविन, तो क्या राइबोफ्लेविन दोस्तों, और यहाँ बेरी बेरी दे दिए गए, तो बेरी बेरी आपको पता है बेरी बेरी विटामिन कौन सी कमी से हो जाता है, तो बेरी बेरी आपको पता है कि देखिए विटामिन यहाँ पे राइबोफ्लेविन से बेरी बेरी नामक रोग नहीं होता है, तो ये बिल्कुल गलत है, राइबोफ्लेविन की कमी से बेरी बेरी रोग नहीं होता है, तो ये बिल्कुल गलत है, तो यही इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं स्क्रीन काफ़ी छोटी कर देता हूँ, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है, इससे आपका बहुत सारा इस क्वेश्चन से प्रिपरेशन हो जाएगी। कह रहा है अधोलिखित को सुमेलित कीजिए, अब विटामिन सी है, तो विटामिन सी आपको पता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है, तो कहाँ पे एस्कॉर्बिक एसिड है, तो एस्कॉर्बिक एसिड देखिए ये है, तो आपने ए में किसको मिला दिया, ए में 5 को मिला दिया, मिला लेंगे, मिलाते चलिए मैं बताता चल रहा हूँ। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन ए को क्या कहते हैं, रेटिनॉल कहते हैं, तो बी को आप 3 से मिला दीजिए। विटामिन डी जो होता है इसमें देखिए दिया गया है कि विटामिन डी और यहाँ पे थायमिन, बंधता, हीमोफीलिया, बालों को झड़ना, रेटिनॉल, तो विटामिन डी दोस्तों कैल्सीफेरॉल होता है, विटामिन डी क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है, तो कहीं पे देखिए कैल्सीफेरॉल दिया गया है कि नहीं दिया गया है, आई थिंक दिया जाना चाहिए कैल्सीफेरॉल, नहीं दिया गया है। विटामिन 1, 2, 3, 4, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कट कर देता हूँ, आप ये हटा लीजिए, इनको मैं ऐसे कट कर देता हूँ, मैं डायरेक्ट आप सब कुछ आपको ऐसे बता देता हूँ कि कभी भी फ्यूचर में आ जाए तो मिला लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है, मैं आपको बता देता हूँ। विटामिन सी क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, विटामिन ए क्या होता है, रेटिनॉल होता है, विटामिन डी क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है, साइनोकोबालमिन होता है विटामिन B12, ये क्या होता है, विटामिन ई क्या होता है, टेकोफेरॉल, ठीक है, विटामिन क्या के क्या होता है, नेप्थोक्यूनिन, अच्छा विटामिन एच थोड़ा ध्यान दीजिएगा, विटामिन एच एक पुराना नाम है विटामिन 7 का, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, विटामिन 7 जो होता है, बायोटिन जो होता है, बायोटिन उसका जो है पुराना नाम है, और इसी की कमी से बालों का झड़ना भी होता है, तो अगर यहाँ पे देखिए मिला एक ऑप्शन थोड़ा सा लगाया था बालों का झड़ना, तो ये विटामिन एस से मिलाएंगे, बाकी सबके तो रासायनिक नाम ही बताने थे आपको, ठीक है। और विटामिन B1 जैसे दिया गया है थायमिन होता है, समझ गए आप, तो और यहाँ पे देखिए कैल्सीफेरॉल दिया गया था इसलिए वहाँ मैच नहीं हो रहा था। एक विटामिन B3 दिया गया है, और विटामिन B3 आपको पता है पेलाग्रा इससे हो जाता है, तो पेलाग्रा भी देखिए कहीं दिया गया, तो ऐसी चीज़ें इस तरफ दी गई हैं कि इस वाली चीज़ों से कुछ ना कुछ तरीके से मैच करेंगी, वो आप देखिएगा कैसे क्या मैच करेंगी, मैंने सब कुछ आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन है विटामिन 32 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विटामिन होते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले ही मैंने आपको बताया था कि विटामिन जो होते हैं कार्बनिक यौगिक होते हैं और इनका संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, आवश्यक कार्बनिक यौगिक, क्योंकि ये कार्बन से मिलकर बने होते हैं, तो ये आवश्यक कार्बनिक यौगिक होते हैं और इनका संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर B राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित विटामिनों में से किसकी कमी से मूत्र में बढ़ी हुई कैल्शियम आयन की हानि होती है, तो यहाँ पे बढ़ी कर लीजिए, बढ़ी हुई कैल्शियम आयन की हानि होती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, मूत्र में बढ़ी हुई कैल्शियम आयन की हानि होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि उल्लू रात में स्वच्छंद उड़ते हैं क्योंकि इनमें होते हैं, अभी मैंने एक क्वेश्चन में आपको बताया था रतौंधी वाले में कि अगर आपके शरीर में रेडॉप्सिन की कमी हो जाएगी तो आप रात में क्या होते हैं कि देख नहीं पाएंगे, रात में देख नहीं पाएंगे, और ये देखता है, ये क्या करता है, उल्लू रात में स्वच्छंद उड़ते हैं क्योंकि इनमें होते हैं, तो इनमें दोस्तों क्या होते हैं, तो इनमें आपको बताना है क्या रेटिना में केवल सलकाएँ होती हैं, रेटिना में क्या होती हैं, केवल सलकाएँ होती, तो यही जो रॉड्स होती हैं ना, इसी की वजह से क्या करता है, स्वच्छंद उड़ता है क्योंकि इसमें रेडॉप्सिन की बहुत ज़्यादा अधिकता होती है, इसलिए इसको रात को भी दिखता है, तो रेटिना में केवल सलकाएँ हैं इसलिए इसकी वजह से ये उड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रतौंधी किस कारण होती है, अच्छा रतौंधी किस कारण होती है, मायोफिया,
हाइपरमेट्रिया, शंकुओं की खराबी या रेडॉप्सिन की कमी। अभी देखिए हम लोगों ने शेयर किया है कि अगर आपके शरीर में रेडॉप्सिन की कमी हो जाएगी, विटामिन ए की कमी हो जाएगी, ये भी ऑप्शन में दे सकता है या फिर रेडॉप्सिन की कमी डायरेक्ट दे सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को अपर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक है। बढ़िया क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो आपके सपनों को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक है। तो दोस्तों जो B6 विटामिन है, बी कॉम्प्लेक्स का एक विटामिन है B6, वो क्या करता है, वो आपके जो स्वप्न होते हैं उनको पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। देखिए विटामिन दो तरीके के होते हैं, वाटर सेल्यूबल होते हैं, फैट सेल्यूबल होते हैं। वाटर सेल्यूबल में आपके बी और सी आते हैं, और बी कॉम्प्लेक्स मतलब सी, तो बी में कौन कौन से आते हैं वो आपको पता है, ये वाटर सेल्यूबल होते हैं। और बाकी जो फैट सेल्यूबल होते हैं वो होते हैं ए डी ई के। तो इसमें क्या पूछा गया है आपसे, इसमें पूछा गया है कि कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। तो विटामिन ए, अब देखिए विटामिन ए तो फैट में घुलनशील हो गया, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। विटामिन बी, विटामिन सी, यही बिल्कुल सही होगा। इसमें देखिए विटामिन सी डी दे दिया गया, डी तो होता है फैट में, और यहाँ विटामिन ए विटामिन के दे, ये भी फैट में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, विटामिन बी और विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, विटामिन ए का उच्चतम स्रोत क्या है। देखिए दोस्तों मैंने बताया था अभी इसके पहले ऑप्शन में, यहाँ पे देखिए उस तरीके का ऑप्शन देखिए दिया गया है, यहाँ धनिया पत्ती नहीं है, तो गाजर बिल्कुल सही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि विटामिन ए कहाँ पे भंडारित होता है, जब बीटा कैरोटीन हमारे यकृत में जाता है तो वह विटामिन ए में बदल जाता है। तो विटामिन ए हमारे यकृत में भंडारित होता है, ऑप्शन नंबर ए लगाएं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन चावल मतलब गोल्डन राइस प्रचुरतम स्रोत है। गोल्डन राइस में कौन क्या प्रचुरतम स्रोत होता है गोल्डन राइस में, तो दोस्तों जो विटामिन ए होता है वो गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होती है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसमें कि कौन से विटामिन में नाइट्रोजन होती है, तो विटामिन बी में नाइट्रोजन होती है। ऑप्शन इस तरीके से दिए जाएंगे ए बी सी डी, तो विटामिन बी में क्या होती है, नाइट्रोजन होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गोकैल्सिफेरॉल भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्गोकैल्सिफेरॉल किसे कहते हैं, तो आपको पता है दोस्तों विटामिन D2 जो होता है ना उसको आर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं, इसको याद रख लीजिए, विटामिन D2 को आर्गोकैल्सिफेरॉल भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं डैश में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है, तो कार्ड लीवर तेल जो होता है उसमें विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है। देखिए NTPC 2016 में एग्जाम में आया हुआ पूछा है क्वेश्चन है, विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है, तो कार्ड लीवर तेल में विटामिन सबसे ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी अत्यधिक मात्रा के सेवन और संग्रहित शरीर में संग्रहित हो जाते हैं और घातक प्रभाव डालते हैं। मतलब ऐसे कौन से विटामिन हैं जिनकी ज़्यादा ज़्यादा मात्रा अगर आप लेंगे तो वो शरीर में क्या होने लगेंगे, संग्रहित होने लगेंगे, फिर हमारे शरीर को प्रॉब्लम पहुँचाएंगे। तो दो विटामिन होते हैं, याद रखिएगा, ए और डी, यही दो विटामिन ऐसे होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई का अच्छा स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। तो विटामिन ई का निम्नलिखित में से सबसे अच्छा स्रोत है, आपको पता है कि जो वेजिटेबल सीड या फिर होते हैं बीज होते हैं अंकुरित वाले, उनका जो तेल होता है वो सबसे ज़्यादा विटामिन ई का अच्छा स्रोत है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अच्छा, विटामिन ई को हम लोग ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट में बहुत हेल्प करता है। विटामिन ए के विशिष्ट भूमिका संश्लेषण में है। कह रहे हैं विटामिन के, अच्छा पूछा गया, विटामिन के, यहाँ पे विटामिन के नहीं है, विटामिन के ऐसे लिखा है समझो, विटामिन के विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में, जैसे विटामिन डी कैल्शियम का अवशोषण में सहायक होती है, उसी तरीके से आपके जो प्रोटीन होता है प्रोथाम्बिन, आपको पता है वो ब्लड से रिलेटेड, तो ये प्रोथ्रोम्बिन की वजह वो क्या होती हैं, इसके संश्लेषण में सहायक होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आज के, देखिए मैंने यहाँ पे आज लिख दिया है, तो यहाँ पे आंत कर लीजिए, क्या कर लीजिए, आंत कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है। तो दोस्तों आंत के जीवाणुओं के द्वारा जो संश्लेषित होता है वो विटामिन के है, विटामिन के आंत के
जीवाणु द्वारा संश्लेषित होता है। किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन कहा गया है? दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। विटामिन B17 को क्या कहा गया है? एंटी कैंसर विटामिन कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, चावल को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो अगर आप चावल को धो देंगे तो चावल को धोने से आपका कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? B1 नष्ट हो जाता है, C नष्ट हो जाता है या फिर D नष्ट हो जाता है? तो विटामिन B1 थायमीन जो विटामिन होता है नष्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर A। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, आज मैंने लास्ट क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन मैंने आपके विटामिन के करा दिए, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। कह रहे हैं विटामिन जी किस विटामिन की अन्य संज्ञा? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन जी किस विटामिन का ओल्ड नाम है आपको ये बताना है। तो विटामिन जी जो है, विटामिन B2 जो होता है ना, विटामिन B2 इसका क्या है, रासायनिक नाम है, सॉरी इसका अदर नाम है, पुराना ओल्ड नेम है विटामिन B2, ये दरा देखिए। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं अपने चैनल पर दिल्ली पुलिस, UP लेखपाल या अदर एग्ज़ाम जिनमें साइंस आती है तो आपके लिए डेली नहीं, आपको एक दो दिन में मेरे चैनल पर वीडियो ज़रूर मिलेंगे और पूरा का पूरा टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे। जो भी मैं टॉपिक उठाऊंगा उसके सारे के सारे MCQ आपके मिल जाएंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए नहीं हैं अभी तक तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जैसे डेली नोटिफिकेशन मैं आपको वीडियो प्रोवाइड का मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।